हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ, एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ गया हूँ जिससे कि आप बिजनेस करके मंथली में लाखों रुपए कमा सकते हो। गाइस, जैसे कि आप लोग हमारे सामने देख सकते हो, ये होने वाला है हमारा प्रोडक्ट कवच एक्स, इसका नाम है। लेकिन ये इंडिया में इस समय पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रन कर रहा है गाइस, क्योंकि आजकल आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल की चोरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं गाइस, इतनी ज़्यादा चोरी होने लग गया है कि इसको सोल्यूशन अभी तक का निकला ही नहीं। लेकिन इसका हम सोल्यूशन लेके आ चुके हैं कवच एक्स के साथ में। अगर आप कवच एक्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो आपका फ़ोन गाइस ये चोरी नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें आपको 32 प्लस ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आपका लाइफ एंड आपकी फैमिली भी सेफ रखता है ये गाइस। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में गाइस बहुत सारे ऐसे पर्सनल डेटा होते हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि मेरा पर्सनल डेटा लीक ना हो, मेरा फ़ोन हैंक ना हो, या फिर मेरा पर्सनल डेटा वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ से जाए ना। तो इसके लिए हम लोगों ने कवच एक्स बना रखा है गाइस। अगर आपके फ़ोन में कवच एक्स रहता है तो चोरी तो छोड़िए, चोरी तो 100% कोई भी कर ही नहीं सकता। इसके अलावा जो है इसमें आपका फ़ोन हैंक भी कोई नहीं कर सकता गाइस, ये आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट रखता है 100%। आपको इसका थोड़ा लाइव फीचर दिखा देता हूँ, 4-5 लाइव फीचर आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा 100% कि आपका फ़ोन चोरी नहीं होगा, इसके अलावा आपका डेटा लीक नहीं होगा। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते हो, चाहे बस हो गया, मेट्रो हो गया, या फिर रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन हो गया, कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल करते हो, चाहे भीड़ इलाके में ट्रैवल करते हो, या फिर आपके उधर आपका मार्केट शॉप वगैरह हो गया, वहां पे आप ट्रैवलिंग करते हो, यहां पे जाते हो घूमने के लिए, तो आपका फोन आपके जेब से चोरी हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका फोन कब आपके जेब से निकल चुका है। तो जैसे देखिए गाइस, ये हमारा जो है नॉर्मल फोन, यानी कि आपका नॉर्मल फोन, आपने कवच एक्स नहीं यूज किया है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से फोन होगा, ठीक है, चाहे जिस कंपनी का हो आपका फोन होगा। तो जैसे आप अपने जेब में रख के जो है ट्रैवलिंग करने लग जाते हो, ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, आपका जेब से कोई भी चोर जो होगा आराम से आपको चोरी करके लेके भाग जाएगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ आपके फ़ोन में, तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन लेके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता गाइस कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया है। और ना ही आप उसे लोकेशन ट्रैक वगैरह कर सकते हो, वो भी बिना, अगर आपका इंटरनेट ऑफ है या फिर ऑन, इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपको लोकेशन ट्रैक करने के लिए जो आती हैं फ़ोनों में। लेकिन जो है हमने जो कवच एक्स बना रखा है, इसमें बिना इंटरनेट की ना ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोकेशन वगैरह मंगाने के लिए। तो अभी देखिए, जैसे ये हो गया हमारा स्मार्टफोन, यानी कि इसमें कवच एक्स डला हुआ है, ठीक है, स्मार्टफोन में कवच एक्स डला हुआ है। अब इसे आप अगर अपने फ़ोन में रखते हो और अब इसको लेके जाके कहीं पर ट्रैवल करते हो, आप सोच रहे हो कि कुछ टाइम तक मैं अपने जेब से फ़ोन नहीं निकालूंगा, ठीक है, तो जैसे ही अगर कोई चोर होगा या फिर कोई भी व्यक्ति आपके जेब से जैसे ही निकालेगा आपका फ़ोन, तो कुछ इस तरीके से गाइस सायरन करने लग जाता है। इस अवस्था में आपका जो है वो चोर आपका फ़ोन को ना ही वॉल्यूम कम कर पाएगा, ना ही इसे स्विच ऑफ कर पाएगा। जैसे देखिए मैं स्विच ऑफ पर प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से गाइस जो है चोर कभी भी चोरी नहीं कर सकता। जैसे ही आप इसे अनलॉक करोगे, ऑटोमेटिक ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फ़ोन जो है चोरी करने लग जाएगा, चोर तुरंत ही ये आवाज़ सुन के वो छोड़ के आपका फ़ोन आपके पास दे के भाग जाएगा तेज़ी से, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा बजने लग गई गाइस। तो ऐसे फीचर्स जो है इसमें मिल जाते हैं जिससे कि आपका 100% फ़ोन चोरी नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो गाइस, जैसे कि देखिए, ये जो है हमारा स्मार्टफोन, इसमें कवच एक्स है जैसे कि मैंने बताया, और ये हमारा जो है नॉर्मल फ़ोन, इसमें मेरे कवच एक्स नहीं है, मैंने कवच एक्स इंस्टॉल नहीं कर रखा, और इस फ़ोन में मैंने कवच एक्स इंस्टॉल कर रखा है। अभी कई अवस्था में क्या होता है कि आपका फ़ोन जो है कहीं पे भी आप जैसे बैठते हो अपना फ़ोन, जैसे आपका शॉप हो गया, या फिर जो है साड़ी की शॉप हो गई, या फिर ऑफिस हो गया, आप अपना फ़ोन एक जगह पे रख के दूसरी जगह पे काम करने लग जाते हो। जैसे कि साइड में आप इधर अपना आपका फ़ोन इधर रखा हुआ है और साइड में आप इधर काम कर रहे हो, ठीक है, आप इधर काम कर रहे हो या फिर कहीं पर चले जाते हो, थोड़ा दूर तक आप चले जाते हो, तो उस अवस्था में आपका फ़ोन जो है, आपका फ़ोन कोई भी नॉर्मली ऐसे उठा के लेके चला जाता है, जैसे ये नॉर्मल फ़ोन है, ये उठा के लेके चला गया, इसमें कोई भी नहीं पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसमें मेरे कवच एक्स है, इसे आपको ऑफ करके जो है कवच एक्स फीचर को ऑन करके रख देना है। अब जैसे ही अगर कोई भी हल्का सा भी आपका फ़ोन को टच करने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, तो कुछ इस तरीके से गाइस देख सकते हैं जो है सायरन करने लग जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। इस अवस्था में भी इसके वॉल्यूम कम नहीं होगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस अवस्था में इसकी वॉल्यूम कम नहीं होगी, इस अवस्था में ये स्विच ऑफ भी नहीं होगा, किसी भी तरीके से स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। जैसे ही अनलॉक करोगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा गाइस।
तो गाइज इसके बाद जो हमारा फीचर आता है वो आता है गाइज चार्जिंग अलार्म। चार्जिंग अलार्म क्या होता है गाइज, जैसे कि आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, जैसे आप ज़्यादातर फ़ोन आपका चार्जिंग से ही चोरी होता है, वो भी जो है ट्रेन से चोरी होता है। आप ट्रेन में चार्जिंग पे लगा के अपना फ़ोन सो जाते हो या फिर कहीं पे चले जाते हो, तो उस अवस्था में आपका फ़ोन जो है कोई भी अनप्लग करके चोरी कर लेता है, या फिर आपके पास ही जो बैठे होते हैं सीट पे वो भी अनप्लग करके आपका फ़ोन जेब में रख लेते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपका फ़ोन किस जगह पे अवेलेबल है गाइस। लेकिन इसमें क्या होगा, कवच एक्स अगर आपके फ़ोन में होगा तो ये आपको चार्जिंग मोड ऑन करना है, इसके अलावा चार्ज पे लगा के आपको रख देना है। तो जैसे ही कोई अनप्लग करने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने आपको दो फीचर दिखाए, सेम उसी तरीके से काफ़ी तेज़ी से सायरन करने लग जाएगा। इसके अलावा जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कि मेरा फ़ोन जो है चार्जिंग से अनप्लग हो गया है। आपके आसपास वाले लोगों को भी पता चल जाएगा गाइज, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे 32 प्लस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको फैमिली सेफ्टी के लिए भी ये अवेलेबल है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो आपको हमारा फीचर दिख रहा है लोकेशन मोड, यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा होगा, लोकेट डिवाइस का, लोकेट डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये क्या होगा, कई बार जैसे कि क्या होता है कि मैं आपको लाइव इसका करके दिखाता हूँ ये कैसे प्रॉपर वर्क करता है गाइस, ठीक है। गाइस इसको आपको लाइव करके दिखाने के लिए जैसे कि आपका दूसरा फ़ोन चाहिए आपको, जैसे आपके पास दो फ़ोन हैं, जैसे कि ये क्या होगा, जैसे आपका बहू बेटी या फिर हस्बैंड या फिर जो है आपके सिस्टर का फ़ोन होगा, वो कहीं पे बाहर गए हुए हैं और किसी कारण से आपका कॉल वगैरह नहीं रिसीव कर रहे हैं, मैं आपको कॉल के फीचर भी बताने वाला हूँ। तो उस अवस्था में क्या होगा कि आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि वो अभी किस जगह पे हैं, यानी कि अगर उनके फ़ोन में इंटरनेट नहीं होगा फिर भी जो है उनका प्रॉपर लोकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको लोकेशन यहाँ पे आई आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ है लोकेशन। तो आपको दूसरे फ़ोन में ओनली टाइप करना है लोकेशन। इसके अलावा जो इसमें 4 डिजिट का, जब इसे आप लॉगिन करोगे, जब आप इसे बाय करके लॉगिन करोगे तो इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है, जैसे कि आपका ATM पिन का पासवर्ड होता है वैसे 4 डिजिट को आपको इसका पासवर्ड बनाना पड़ता है। बस इसे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है प्रॉपर टाइप कर ली है लोकेशन एंड जो इसका पासवर्ड था 988, ठीक है। अभी मैं इसे सेंड करता हूँ इस नंबर पे, जैसे ही इस नंबर पे प्राप्त होगा इसका लोकेशन, ऑटोमेटिक इसमें जो है लोकेशन एंड एड्रेस दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे जो है तुरंत ही हमारा जो है लोकेशन आ गया है कि अभी आपका फ़ोन किस जगह पे अवेलेबल है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर मैप में ओपन हो जाएगा कि अभी किस जगह पे आपका ये फ़ोन अवेलेबल है, कहाँ पे है ये फ़ोन, ठीक है गाइज। तो कुछ इस तरीके से ये आपको लाइव करके देख सकते हो कि आपके फैमिली के किसी भी फ़ोन में रहेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोकेशन वगैरह उनका मंगा सकते हो प्रॉपर किस जगह पे है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा अभी संगम विहार तिगड़ी में है नई दिल्ली, यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन मिल चुका है, हमारे ऑफिस का ही मेन लोकेशन यहाँ पे भेज दिया गया है। इसके अलावा जो है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कुछ फीचर्स के लाइव डेमो करके दिखा दिया है, कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, आपके फ़ोन को चोरी नहीं होने देगा, इसके अलावा आपके फैमिली को भी ये सेफ रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपको 32 प्लस फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी कॉलिंग टीम आपको सारी चीज़ें समझा दे। इसके बाद जो इसमें मेन आता है गाइस, इसके साथ आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कैसे जोड़ के कर सकते हो हमारे साथ। इसमें गाइस आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये की गाइज, इसमें आपको लाखों इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आप 500 से 1,000 रुपये तक का, 2,000 रुपये तक का भी बिजनेस हमारे साथ जुड़ के स्टार्ट कर सकते हो गाइज। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हो तो आपको ऐसा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि, जैसे कि अभी हमारे कुछ ऐसे ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑफर्स में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे AC हो गया, कूलर हो गया, इसके अलावा जो है स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं गाइज। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हो तो आपको कंपनी फुल ऑफ सपोर्ट करती है 24 आवर, आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है सेलिंग करने में या इसे इंस्टॉल करने में, हर चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो एज अ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको कुछ इस तरीके से गाइज जो है ID कार्ड, पहली बात तो ID कार्ड दिया जाता है। इसके अलावा पैम्पलेट दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके, कुछ इस तरीके से जो है इसमें आपको पैम्पलेट दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है ये किस चीज़ के लिए होने वाला है, और यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, इसके अलावा लोगों में बांट देना है आपको गाइज,
ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको हम सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, पैम्पलेट, इसके अलावा आपको कुछ इस तरीके से गाइस कैनोपी बैनर वगैरह, छतरी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर जो है कुछ इस तरीके से, जैसे को इसी तरीके से जो है बैनर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आप हर जगह पे लगा के जहाँ पे आपके उधर ज़्यादा भीड़ होती हो वहाँ पे इस छतरी को ओपन करके, जैसे कि आपने देखा होगा सिम वगैरह लेके सेल करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप भी लगा के अपना जो है मूवी गार्ड रख के, कवच एक्स रख के वहाँ पे सेल कर सकते हो गाइस। अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए या फिर इसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं या एक पीस लेना चाहते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम आपको फुल ऑफ सपोर्ट कर देगी, फुल ऑफ गाइड कर देगी इसे यूज़ कैसे करना है एंड सेल कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है फिर भी आप कॉल कर सकते हैं।